दोस्तों अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस जादू को मैंने कैसे किया है करके। ये तो सब कार्ड अलग अलग है, आपने देख लिया है, देख लीजिए है ना। और ये भी कार्ड मैंने आपको बताया कि अलग अलग है, ये देख लीजिए है ना। तो होता क्या है इस मैजिक ट्रिक में कि कोई सा भी अंक जो होता है, तीन अंक हम लेते हैं इसमें से, कोई सा भी तीन पत्ता निकालेंगे, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया और ये थ्री हो गया। तो इसको जब जैसे भी लिखेंगे हम लोग, कोई सा भी पत्ता निकाल करके, जैसे हमने रेंडम ये तीन पत्ता निकाला, एट ये जीरो हो गया, इसको जीरो मानते हैं, और एक वन हो गया, तो 801 ये इन तीनों का जोड़ेंगे अपन लोग तो ये होता है 9। इन तीनों को अगर हमने जोड़ेंगे ये 9 होगा, देखो 801, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो 9 स्पेस अगर हम माइनस करेंगे तो ये होगा आपका ये 2 और ये हुआ 9 और ये हो गया 7, ये आया। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 9 दो 11 और 7 18 और 8 और 1 9, तो ये हमेशा ये जो अंक इकाई दहाई सैकड़ा ये सबको जोड़ेंगे ना तो लास्ट में 9 ही आता है इसका आंसर। तो हम लिफाफे में हमेशा 9 लिखेंगे, कभी भी लिखना रहेगा तो आंसर 9 लिखेंगे अपन लोग। ये आंसर तीन अंक में से उनको इकाई दहाई सैकड़ा को जोड़ने के बाद, उसको घटा देने के बाद 9 आता है, तो हम इसमें लिफाफा में हमेशा 9 ही लिखेंगे। अब रहा कि इस डेक में कैसे 9 आता है, तो ये डेक तो अलग अलग आपको दिख रहा है, देख लीजिए सारे पत्ते, लेकिन इसमें क्या है कि इस डेक में जो है ना, एक पत्ते के बाद एक 9 पहले से सेट है, ये ऐसा डेक है। इसमें 26 पत्ते अलग अलग हैं लेकिन 26 पत्ते 9 हैं, और ये जो 9 जो है वो क्या है, इसको कट करने के बाद जो है, जो नीचे में जो पत्ता रहता है वो 9 ही आता है, ऐसा करके कहीं से भी अगर हम इसको कट करेंगे ना तो ये 9 आएगा। ये देखिए इस प्रकार के डेक बना हुआ है, तो ऐसा डेक मैजिक शॉप में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, ये देख लीजिए। तो अगर इसको हम कैसे भी ऐसे कट करेंगे तो ये 9 ही आता है। तो इस प्रकार से ये मैजिक होता है, तो आप इसको करिए और दोस्तों को दिखाइए। अगर ये कार्ड डेक आपके पास नहीं है तो यहीं तक का मैजिक दिखा सकते हैं आप। थैंक यू।